गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तभी सुबह के 11 बज रहे हैं, खाना बन चुका है और लास्टली मैंने दूध चढ़ा दिया है। मतलब सारा खाना वाना बनने के बाद मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ, एकदम कम करके छोड़ देती हूँ, फिर अपना काम करती रहती हूँ। इससे दूध भी नहीं गिरता और गर्म भी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। और तब तक मैं यहाँ पर किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, बस यही काम बाकी है। अभी थोड़ा रूम साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, उसके बाद मैं नहा लूँगी, पूजा भी करना है मुझे 12 बजे से पहले पहले, तो इसलिए मुझे फटाफट से अपना किचन जो है वो साफ़ कर रही हूँ। मैंने गैस पोछा, उसके बाद यहाँ पे बर्तन धोऊँगी और उसके बाद फिर अपने रूम की क्लीनिंग करने चलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करके रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, मच्छरदानी लगा हुआ अभी तक, क्योंकि रौनक की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रौनक आज थोड़ा लेट तक सोया हुआ है और रात को मच्छरदानी लगाया था तो अभी तक नहीं हटाया, जब तक रौनक उठेगा तब तक तो ऐसे ही लगा ही रहेगा। और अभी देखो रौनक थोड़ा बहुत हिल डुल रहा है, यानी कि रौनक के उठने का टाइम हो चुका है। अभी सुबह 11 बज रहे हैं तो अभी ये उठेगा, तो शाम से उसको बहुत बुखार हो गया था तो इसलिए आज ये लेट तक सोया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी पूरे रूम में, ठीक है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह का सारा काम हो चुका है, मैं नहा के अभी जस्ट आई हूँ और आज जो है मम्मी घर पे नहीं है और हमारे घर में मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया है। तो आटा जो है गेहूँ आता है राशन से, तो उसी को पीस के हम लोग खाते हैं। तो आटा चक्की की जो मशीन है वो हमारे घर पे ही है, तो हम लोग घर ही में आटा पीसते हैं। तो आटा पीसने का काम जो है वो मम्मी करती है और लेकिन मैं इधर उधर का काम कर देती हूँ, मतलब सब कुछ सेटअप करना, गेहूँ पहुँचाना, मशीन साफ़ करना, ये सब करती हूँ मैं। लेकिन अभी मम्मी नहीं है और आटा ख़त्म हो गया तो मुझे ये सब करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ स्पेशली फॉर पीसिंग आटा क्योंकि फर्स्ट टाइम पीसूँगी और क्या क्या करूँगी वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और थोड़ा आटा चक्की की जो मशीन है छोटी सी है, बहुत क्यूट लगती है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लेते हैं। और ये साइड में यहाँ पे मच्छरदानी लगा रखा है क्योंकि आज रौनक जो है दिन में सो गया था तो इसीलिए मच्छर काट रहे थे उसको, तो मैंने ये लगा दिया था। ये हमने न्यू लिया है अभी क्योंकि अभी गर्मी आ गई है तो मच्छर बहुत परेशान करते हैं, रात भर सोने नहीं देते, उसके लिए मैंने ये परचेज़ किया। ये 400 रुपीज़ का है, ऑनलाइन ही लिया है मैंने। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है वो दे दूँगी। ये सिर्फ 400 रुपीज़ में है जो कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है। अगर आप सड़कों पे से लेंगे तो वो मतलब सड़कों पे ऐसे टेंट लगा के बैठे रहते, तो मैंने उनसे पूछा था तो वो 800 रुपीज़ कह रहे थे, लेकिन हमने 400 में लिया है। और अगर आप मीशो से देखते हैं या फिर कहीं और से देखते हो तो आपको 600, 700, 800 तक ये जो है आपको मिलेगा, लेकिन मैंने इसको बहुत लोएस्ट प्राइस में लिया है। वो कैसे वो जानने के लिए उसका लिंक चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, बिना कमेंट किए मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो है मैं नहा ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ गेहूँ को मैंने सुबह ही दे दिया था धूप में सूखने के लिए, फिर अब मैं उसको घर में उठा के लाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, बाहर साफ़ नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा झटकना फटकना पड़ेगा, इसीलिए मैं उसको घर में लेके आऊँगी और उसके बाद उसकी सफाई करके फिर हम नीचे जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ। और रौनक जो है आज दिन में ही सो गया था, 1 घंटे पहले वो उठा है, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो अभी उठा है वो, तो अब वो नहीं सोएगा, अभी परेशान करेगा बस। तो अब मैं जा रही हूँ गेहूँ को उठा के लाती हूँ और उसके बाद देखो मैं क्या क्या करती हूँ आज। तो यहाँ पे मैं गेहूँ जो है घर में उठा के ले आई हूँ और ये जो गेहूँ मैं जिसमें साफ़ कर रही हूँ ये छन्नी है, जो छेद छेद होते छोटे छोटे, तो वो छन्नी है, इसमें हम लोग चाल भी लेते हैं और उसी से फटक भी लेते हैं, तो दो काम हो जाता है, छन्नी बहुत काम की चीज़ है। और गेहूँ में छोटे छोटे से तीसी जैसे दाने होते हैं वो होता है, तो वो जंगली दाना होता है तो उसको निकालना होता है, तो चालने से ना वो सारा दाना निकल जाता है और उसके बाद फटकने से उसमें से सारा जो कचरा है वो भी निकल जाता है, तो इसी छन्नी से मम्मी जो है वो करती है, मैंने देखा है करते हुए, तो इसलिए मैं भी इसी से कर रही हूँ, इसी से चाल के फटक के फिर मैं उसको साइड में रख रही हूँ और थोड़ा बहुत जो गंदगी उसमें से साफ़ कर दे रही हूँ मैं हाथों से ही। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, फिर रौनक आ गया, रौनक ने गेहूँ फेंकना स्टार्ट कर दिया तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था, तो थोड़ी सी जो क्लिप है वो मैंने ऐड कर दी है, तो आप देख सकते हैं हम लोग गेहूँ जो है वो कैसे साफ़ करते घर में। और गेहूँ को पीसने से पहले उसको थोड़ा सा धूप लगाना भी ज़रूरी होता है, तो मैंने 2-3 घंटे का धूप भी लगा दिया इसके अंदर। दिन कितना मस्त वीडियो आ रहा है दिन के टाइम। रौनक बिक्कू दादा,
बाबले बाबले छाप दे देगी क्या तुम? इतना क्रिस्पी क्रंची लग रहा है, सब साफ कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तब तक रौनक ने परेशान कर दिया, एक घंटे हम उसके साथ बैठे टीवी भी देखे। तो अब 2:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ नीचे पीसने के लिए आटा, और रौनक को भी ले जाऊँगी। रौनक ने बहुत परेशान किया, रौनक के साथ बिस्किट नमकीन खाया बैठ के। अब मैं जा रही हूँ नीचे और फिर हम बैठ के आराम से आटा पीसेंगे, और नीचे टीवी है तो टीवी भी देखूँगी। ठीक है, तो अब चलिए। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ नीचे और ये है हमारे आटे चक्के की मशीन। इसके अंदर पहले के ज़माने में जैसे पीसते थे पत्थर पे, तो वही पत्थर जो है अंदर सेट रखा है। मैंने इसको खोल के देखा हुआ है, और ये जो रेड कलर की डंडी दिख रहे हैं इससे ये फिक्स किया जाता है कि आटा जो है हमको कितना पतला पीसना है, मोटा पीसना है, कुछ भी। और इसके अंदर बस गेहूँ भर दिया जाता है और उसमें धीरे 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 जाता रहता है अपने आप ही। और जो आटा है ना बहुत ज़्यादा कम क्वान्टिटी में जो है वो पीसता है, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा। 10 किलो आटा पीसने बैठते हो आप तो 5-6 घंटे में। सो गाइस, शाम के 4:30 होने वाले हैं और अभी तक आटा जो है वो पिस रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा पिसता है, बहुत टाइम लगता है उसको पीसने में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी तक मैंने कितना पीसा है, और मुझे नींद आने लग गई है, बोर भी हो रही है बहुत ज़्यादा, टीवी का रिमोट भी नहीं मिल रहा। पापा को बोलूं क्या कर रहा है तू? छी छी, हाथ गंदा है। बस हो गया बेटा, फाइनली शाम के 6 बजे जाके यहाँ पे आटा जो है वो मतलब गेहूँ ख़त्म हो चुका है। कम से कम 20 किलो आटा पीसा होगा, तो इतना टाइम लगा। और देख सकते हैं बिल्कुल गेहूँ ख़त्म हो चुका है, बस ये छोटा सा जो छेद होता है उसके अंदर गेहूँ जाता रहता है और वो पिसता रहता है। अंदर 2 पत्थर लगे हुए हैं छोटे से, उस पर जो गेहूँ है वो पिसता रहता है। तो अभी मैं आपको क्लोज़अप में दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या हो रहा है। अभी बस बिल्कुल गेहूँ जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब इसको हम निकाल भी सकते हैं। बस ये गेहूँ जाने के लिए बर्तन है बस, और ये रेड कलर की डंडी का मैंने बता दिया आपको कम ज़्यादा करने के लिए। और फिर मैं सूप में पीस रही हूँ अब, क्योंकि बोरा जो है बोरा आधा भर चुका था, जिसकी वजह से इसका मुंह जो है बार बार भर जा रहा था आटे से, फिर वो गिरने लग जा रहा था। तो इसीलिए मैंने सूप में अब लास्टली जो बचा हुआ है वो, और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो गेहूँ है वो पीस रहा है इसके अंदर, और बिल्कुल जैसे पहले पीसते थे बिल्कुल उसी तरीके से अंदर पत्थर लगे हुए हैं। तो वो मैंने खुद देखा, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको आटे पीसने से पहले थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पत्थर भी दिखाई देगा अंदर। तो फाइनली जो गेहूँ है शाम के 6 बजे जाके सारा जो है पिस चुका है, और रौनक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसको नींद आने लग गया था। सो गाइज, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और इस टाइम रौनक को, मतलब जब मैं आटा पीसने के बाद रौनक को बहुत तेज बुखार हो गया था, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है और रौनक अभी तक सोया हुआ है, रात भर इसको बुखार रहा है बहुत। तो कल शाम को आटा पीसने के बाद इसको डॉक्टर से दवाई दिला दिया था, तो ये रही दवाई, यही दिया था दवाई, इसको पिलाया है तो थोड़ा शाम को ठीक हुआ था, और फिर रात को इसको बुखार आ गया था। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आज है अगला दिन। तो कल आटा पीसने के बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि रौनक की जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, रौनक को बहुत बुखार लग गया था। शाम को डॉक्टर के पास ले गए और शाम से सोए सोए वो अभी सुबह उठा है, तो अब जाके वो ठीक है और नीचे गया खेलने के लिए। मैं जा रही हूँ अब, नहा लिया मैंने, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो चलिए।
मैंने मंदिर साफ कर लिया, मैं नहा के आते ही पहले मंदिर साफ करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करके, मतलब सिंदूर लगाए बिना तो पूजा नहीं करते ना, तो फिर मैं सिंदूर लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो ये है मेरा मेकअप हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइज ये है जो मेरा खाना है वो तैयार है, मूंग दाल का चीला बनाया मैंने, थोड़ा सा कढ़ी लिया है और दूध। तो सुबह के टाइम मेरे को यही खाने के लिए कहा गया है तो मैं यही खाऊंगी अभी। ये थोड़ा कच्चा है, मन नहीं लग रहा था मुझे पकाने का, इसको 10 घंटे से पकाई, परेशान हो गई।